प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयास का आह्वान। डॉक्टरों, नर्सों और नगर निगम के कर्मचारियों की भूमिका को सराहा। गैर जरूरी यात्राओं और सामूहिक कार्यक्रमों को टालने की दी सलाह। देश में कोरोना वायरस के अब तक 114 मामले। ओडिशा में सामने आया पहला मरीज। केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक में नियंत्रण और बचाव के कदमों की समीक्षा। संसद, विधानसभाओं और अदालतों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती उपाय। दिल्ली में जिम, नाइट क्लब और स्पा बंद। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल का मुख्यमंत्री कमलनाथ को कल बहुमत साबित करने का निर्देश। बीजेपी विधायकों का राज्यपाल से मुलाकात कर फ्लोर टेस्ट कराने का अनुरोध। तुरंत शक्ति परीक्षण की मांग को लेकर बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 को राज्यसभा से मंजूरी। संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का मिलेगा दर्जा। सदन में रेल मंत्रालय के कार्यकारण पर भी चर्चा। लोकसभा से सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक को मंजूरी। कोरोना वायरस से बाजार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिजर्व बैंक का ऐलान। डॉलर रुपया स्वाइप विंडो के जरिए मिलेगी 2 अरब डॉलर की मदद। लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन पर 1,00,000 करोड़ रुपए तक की सहायता। अगली मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती के लिए संकेत।